रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि वो आप सब पे अपनी खैर बनाए रखे, आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। मैं हूँ आपकी शेफ़ रिजवाना। आज हम बनाने जा रहे हैं गिश्तावा पालक। गिश्तावा पालक बनाने के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको बताती चलूँ। सबसे पहले हमने गिश्तावे ले लिए, ये 14 गिश्तावे हैं। आप गिश्तावों की जगह बीफ, चिकन, मटन के कोफ्ते ले सकते हैं। इसके साथ ही आप मटन, बीफ या चिकन भी ले सकते हैं। गिश्तावे हमारे कश्मीर की मशहूर डिश है। मैंने गिश्तावे लिए हैं। इसके साथ हमें पालक चाहिए होगी, एक पूरी और एक आधी, और इसको मैंने उबाल के ग्राइंड कर लिया है। सबसे पहले हम लेंगे देसी घी 2 बड़े चम्मच, प्याज 2 अदद, लहसुन 2 अदद, हल्दी 1 छोटा चम्मच, सुरख मिर्च 1 छोटा चम्मच, खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, टमाटर 2 अदद, बादियान 1 अदद, मोटी इलायची 1 अदद। पालक की कुकिंग के लिए हम लेंगे प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, हरी मिर्चें 2 अदद, सुरख मिर्च 1 छोटा चम्मच, खुश्क धनिया 1 छोटा चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, नमक 1 छोटा चम्मच, काली मिर्च 1 छोटा चम्मच, देसी घी के 2 बड़े चम्मच, मक्खन हमें चाहिए होगा 2 बड़े चम्मच, कसूरी मेथी हमें चाहिए होगी 1 छोटा चम्मच, धड़ा मिर्च 1 छोटा चम्मच। आए अब इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पैन में हम डालेंगे देसी घी। अब हम डालेंगे प्याज। एक पैन में हम पालक की कुकिंग स्टार्ट करेंगे और साथ ही हम दूसरे पैन में प्याज के साथ लहसुन डाल देंगे। इसमें अब हम डालेंगे बादियान, मोटी इलायची, धड़ा मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा, चाट मसाला, नमक, काली मिर्च, खुश्क धनिया, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, साथ ही हम डालेंगे इसमें टमाटर। पालक वाला प्याज भी लाल हो चुका है। टमाटर, सुरख मिर्च 1 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च 1 चम्मच। ग्रेवी बन चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे गिश्तावा। गिश्तावों को भूनेंगे। सेम रेसिपी आप कोफ्तों के साथ ट्राई कर सकते हैं। ये हरी मिर्चें भी हमारी, ये भी तैयार हो चुकी है। इसमें हम पालक ऐड करेंगे। गिश्तावों को हम तकरीबन 5 मिनट तक भूनेंगे। गिश्तावे भुने जा रहे हैं और साथ साथ पालक भी पक रही है। अब हम इसमें डालेंगे 1 गिलास पानी। 1 गिलास पानी डाल के इसको हम ढक्कन लगा देंगे ताकि ये अंदर से अच्छे से गल जाएं। तकरीबन 15 मिनट के लिए पालक तैयार हो चुकी है। अब देखेंगे कि गिश्तावे तैयार हुए हैं या नहीं। गिश्तावे तैयार हो चुके हैं। अब हम पालक को गिश्तावों में मिक्स करेंगे। पालक और गिश्तावे मिक्स करने के बाद तकरीबन 5 मिनट तक इनको हमने फुल फ्लेम पे कुक करना है। ये तैयार हो जाएं तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कैसे प्लेट आउट करना है।
पालक गिश्तावे तैयार हैं। अब इनको हम बाउल में डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़े से तिल, साथ ही इसमें डालेंगे कसूरी मेथी, मक्खन। पालक गिश्तावा तैयार है। आप भी इसको घर में बनाएं, मुझे कमेंट करें कि ये कैसा बनाएं। रेसिपी में अगर कोई भी मसला आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।